हेलो एवरीवन। तो सीएस के एग्जामिनेशन का बच्चों का डेट शीट आ गया। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन जून 2021 में था वो पोस्टपोन्ड होकर के अगस्त पे आ गया था। मैंने जैसा बताया आपको पहले ही वीडियो पे बता दिया था कि आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ था एग्ज़ाम के रिलेटेड डेट को लेकर के, तो वो डेट शीट सिर्फ आने बाकी था। लो डेट शीट भी आ गया। तो डेट एग्जामिनेशन का डेट शुरू कब से हो रहा है? 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। 10 अगस्त 10 अगस्त को आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ओल्ड और न्यू सिलेबस दो है। इस बार ओल्ड और न्यू दोनों का एग्जाम होगा। तो ओल्ड सिलेबस में आपका 10 तारीख को है पहला जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर 11 तारीख को है इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ, फिर 12 तारीख को है टैक्स लॉ, फिर 13 को कंपनी, फिर 14 तारीख को कंपनी लॉ, 15 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है किसी में भी, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग किसी में भी 15 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है। फिर उसके बाद 16 तारीख को एग्जाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, 17 तारीख को है इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल लॉज, फिर 18 तारीख को भी देखो आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एग्जाम नहीं है, फिर एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में एग्जाम है जो कि फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। 19 तारीख को किसी में भी एग्जाम नहीं है, 19 तारीख पूरा ब्लैंक है। फिर 20 तारीख को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू और ओल्ड दोनों में एग्जाम नहीं है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के बारे में। उस दिन आपको है तो पहला है जनरल लॉ मॉड्यूल 1, फिर सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट मॉड्यूल 2। ये सब डेट वाइज आप देखते चल जाना, मिलाते चल जाना, ऐसे डेट वाइज सेम, एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिला आपको। 10 से लेकर 20 तक रेगुलर एग्जामिनेशन होने वाली है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 12 तारीख को। तो 12 तारीख को आपको होने वाला है कंपनी लॉ का एग्जाम, फिर 13 तारीख को होने वाला है इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, फिर 14 तारीख को होने वाला है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, फिर उसके बाद आपका 15 तारीख को कोई एग्जाम नहीं किसी में भी नहीं है, फिर उसके बाद 16 तारीख को आपको होना है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर उसके बाद 17 तारीख को होने वाला है आपका टैक्स लॉ, 18 तारीख को होने वाला है फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल 2 ओ एम आर बेस्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, मतलब एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा। फिर 20 तारीख को कोई एग्जाम नहीं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक वो भी एग्जाम होगा। प्रोफेशनल में एडवांस कंपनी मॉड्यूल 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉड्यूल 2 11 तारीख को, 12 तारीख को एडवांस टैक्स, फिर 13 तारीख को कम्प्लीमेंशन मैनेजमेंट, फिर 14 तारीख को फाइनेंशियल ट्रिजेंट फॉक्स मैनेजमेंट, फिर उसके बाद कोई एग्जाम नहीं। फिर उसके बाद आपका 16 तारीख को ड्राफ्टिंग मॉड्यूल 3, फिर उसके बाद 17 तारीख को आपका होने वाला है कॉर्पोरेट, फिर उसके बाद आपका होने वाला 18 तारीख को इथिक्स गवर्नमेंट का, फिर नो एग्जामिनेशन 19 तारीख को। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोफेशनल आपका न्यू स्कीम को लेकर के। तो वैसे ही आपका गवर्नमेंट रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ऑडिट, कॉर्पोरेट फंडिंग, एडवांस टैक्स, ये सब आपका एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ये थी मेरी सारी जितने भी बताने की बात थी मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ छूट गया है तो आप अच्छे से मिला लो, आप जिस भी प्रोग्राम से जिस भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो वहाँ पर आप देख लो कि आपका एग्जामिनेशन कब है और आप अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।